इज़ फाइव एंड देर एल सी एम इज़ टू हंड्रेड देन फाइंड द प्रोडक्ट ए बी सो अज मैंने आपको फर्स्ट वाली जो प्रीवियस वीडियो थी जो कि फिफ्टी सिक्स मिनट की है उसमें पूरा चैप्टर का कंसेप्ट बताया हुआ है उस चैप्टर के कंसेप्ट से एल सी एम और एच सी एफ जो मेन कंसेप्ट है वो समझ लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है अगर आप न्यूज ट्रेंड्स है चैनल पर तो आपके लिए ये मैसेज है कि वो फर्स्ट वीडियो फिफ्टी सिक्स मिनट की जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर कर देती है एल सी एम और एच सी एफ की टू प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फॉलो होती हैं नाउ आपको प्रोडक्ट मालूम करना है ए बी कैसे सॉल्व करेंगे बहुत इजी सा क्वेश्चन है एच सी एफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज फाइव दैट मीनस टू नंबर्स आर ए एंड बी टू नंबर्स कौन से हैं आपके ए एंड बी है राइट दिस इज द सॉल्यूशन सो टू नंबर्स आर ए एंड बी एच सी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कितना दिया है आपको फाइव दिया है राइट एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना दिया है आपको टू हंड्रेड दिया है राइट right? तो आपको ए बी प्रोडक्ट ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कैसे सॉल्व करेंगे गाइस इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला सो आपको फॉर्मूला मालूम है एलसीएम और एच की दो प्रॉपर्टीज जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होती है कि एच ऑफ टू नंबर्स ए कोमा बी इंटू एल सी एम ऑफ ए कोमा बी इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट आर ए कोमा बी यही दो नंबर है इनका एच सी एफ कैलकुलेट किया इनका LCM कैलकुलेट किया और यही दो नंबर है सो एच सी एफ एल सी एम किसके इक्वल हो जाएगा दोनों नंबर ए इंटू बी के प्रोडक्ट के राइट सो एच कितना है इन दोनों नंबर का गाइस फाइव है ध्यान रखना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही लिख के दिखाना है डायरेक्टली नहीं लिख के दिखाना है एल कितना है टू है ठीक है ए इंटू बी लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं सो ए बी इक्वल्स टू फाइव टू जो दैट मीन्स थाउजेंड हो जाएगी वैल्यू हैंस प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ गया आपकी वैल्यू कितनी थाउजेंड सो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ AB equals to वन थाउजेंड मीन्स आपकी वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ ए बी की थाउजेंड सो वाइज कभी भी क्वेश्चन आ जाए मुझे मालूम है बहुत ईजी है जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझ आ गए वो इसे वन सेकेंड में भी सॉल्व सक, कर सकते हैं फाइव सेकेंड में मतलब फाइव सेकेंड मैक्सिमम आप लेंगे सॉल्व करने में बट अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल पाएंगे सो दिस इज द मैथड ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन राइट सो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है दैट मीन्स ये मैथड है आपका सोल्यूशंस को राइट करने का ओके okay? सो so, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन

द सम ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ इज फाइव हंड्रेड ठीक है एलसीएम और एच सी एफ का सम कितना फाइव हंड्रेड सो एच सी एफ कैल्कुलेट करना है कैसे कैलकुलेट करेंगे बहुत है, आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से समझिए स्टेटमेंट वाइज राइट आपको क्या दिया है लास्टली सम ऑफ एलसीड एच सी एफ दैट मीन एल सी एम प्लस एच सी एफ किसके इक्वल दिया है 500 के इक्वल दिया है राइट नाउ एल सी एम ऑफ टू नंबर इज नाइन टाइम्स देयर एच सी एफ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एच सी एफ इक्वल टू एक्स ठीक है सो एल सी एम किसके इक्वल है एल सी एम ऑफ टू नंबर एच सी एफ मीन्स आपने मान लिया एच सी एफ दो नंबर का एच सी एफ किसी भी दो नंबर का एच सी एफ कितना है एक्स है तो एल सी एम उन्हीं दो नंबर का किसके इक्वल है नाइन टाइम्स ऑफ एच सी एफ मीन्स एक्स की नाइन टाइम्स वैल्यू दैट मीन्स एल सी एम हो जाएगा नाइन एक्स के अगर एच सी एफ आपका एक्स है तो एल सी एम नाइन टाइम्स ऑफ एच सी एफ होगा दैट मीन्स नाइन एक्स के होगा ठीक है सो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एलसीएम की वैल्यू नाइन एक्स एच सी एफ की वैल्यू एक्स इक्वल टू फाइव हंड्रेड टेन एक्स इक्वल टू फाइव हंड्रेड दैट मीन्स एक्स इक्वल आ जाएगा फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय टेन राइट दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टी आ गई आपकी ठीक है एंड एक्स इसके इक्वल है एच सी एफ के इक्वल है तो एच सी एफ आपका आ गया कितना फिफ्टी राइट right? ये आपसे एच सी एफ की वैल्यू पूछिए अगर आपसे एल सी एम भी पूछा होता तो एल सी एम में आप पुट कर देते नाइन इंटू फिफ्टी दैट मीन आपकी वैल्यू आ जाती है फोर फिफ्टी एल सी एम की दिस इज द वन मैथड ऑफ सोल्यूशन ठीक है दिस इज वन मैथड ना सेकेंड मैथड भी इसका है जो कि बहुत ईजी है इसलिए आप दोनों मैथड देख लीजिए मेनली बेसिकली आप यही वाला मैथड करके आइएगा बट सेकेंड मैथड भी आप देख लीजिए क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ टू नंबर इज नाइन टाइम एच सी एफ मानिए दो नंबर है जिनका एच सी एफ आपका है ठीक तो है तो एलसीएम किसके इक्वल दिया एल सी एम किसके एच सी एफ है दो नंबर का वो किसके इक्वल है नाइन टाइम्स ऑफ एच सी एफ के सो इस इक्वेशन में एलसीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं नाइन एच सी एफ प्लस एच सी एफ इक्वल टू फाइव हंड्रेड एंड जब ऐड करेंगे नाइन प्लस वन टेन एच सी एफ टू फाइव हंड्रेड इट मीन्स एच सी एफ इक्व टू फाइव हंड्रेड अपॉन टेन इक्वल्स टू फिफ्टी सो एच सी एफ़ की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी गाइज फिफ्टी आ गई जो कि आपको कैलकुलेट करनी थी सो so, दोनों ही मेथड है बट बेसिकली आप यही वाला मेथड करके आइएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है एच मान लीजिए x है तो एल सी एम नाइन टाइम्स ऑफ एच सी एफ दैट मीन्स नाइन एक्स इक्वल होगा वैल्यू पुट कर दीजिए कैलकुलेट होकर आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं सो वाइज वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया है ओके okay, एंड ये न्यू एडिशन के सॉल्यूशन अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अदर सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा तो डेली नोटिफिकेशन सोल्यूशंस के मिलते रहेंगे ओके गाइज सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर वीडियोज आप लोग ऊपर आई टैप पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या चैनल पर रियल नंबर क्लास टेन प्ले लिस्ट में भी आपको सोल्यूशन अवेलेबल है ओके बाय बाय टेक केयर